ये गमले में जो लेके आया था ये भी हो गया है माशाल्लाह, ये चल पड़ा है। और इसमें ये लगा दी थी ये भी चल पड़ा है, और इधर लहसुन लगाया था ये भी हो गया, देखे माशाल्लाह। ना ये हो रहा है और ना ये ही हो रहा है, और इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। ऊपर से हो रहा है और नीचे से इसके पत्ते सारे गिर जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं ये वाले, जैसे ये हुए हैं, ये होते हैं और ये गिर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो सबसे पहले आज मैंने जाना है जी कटिंग करवाने, और उसके बाद फिर सोचते हैं कि पहले कौन सा काम करना है। काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं, लेकिन वन बाई वन सारी कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जनाला हम पहुँच चुके हैं, इस बंदे ने भी कटिंग करवानी है। आपने क्यों कटिंग करवानी है? आपके तो बात नहीं है, मेरे भाई की शादी है, इसलिए कराया है। भाई की शादी है इसलिए कह रहा है कि मैंने कटिंग करवानी है। मेरे तो वैसे बाल जो खुले हुए हैं सारे, वो देखें सारे खराब है, इसलिए मैंने तो फिर करवानी करवानी है। वैसे मैं इसकी वजह से आया हूँ, मैंने नहीं करवाया। और ये हमारे गाँव का ही बंदा है, उसका ही सैलून है, लेकिन वो अभी तक इधर आया ही नहीं है। उसका ये है शकील है आई थिंक, और हम अभी वेट कर रहे हैं, हम सुबह सुबह ही आ गए हैं। स्टिल वेटिंग, मुझे तो नींद भी आने लग गई। आपको भी नींद आ रही है? भाई बहुत ज़्यादा नींद, सो जाते हैं फिर आधा घंटे पानी पिला देते हैं। एक घंटा हो गया हमें आए हुए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। गांव का यही फ़ायदा होता है, बंदा इजीली जाता है और हो जाता है, लेकिन इधर रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बंदे को टाइम लग जाता है। जवान भाई वेट कर रहे हैं इधर बैठे हुए, बड़े अच्छे, बहुत अच्छी कटिंग की है हनुमान भाई। अब इस बंदे ने जाना है जी चाकू चूड़ियाँ दे दे, हमारे पास इसका नंबर है। रेडी हो? चल थले हो, थले हो, आप ही होया उन्हें फाड़ के करना ही। रिजवान भाई अब रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये इशू है कि ना आज रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबको पता है कि शादियों का बहुत ज़्यादा सीज़न है, हर बंदा आज ही आ रहा है। और मैंने इसे कहा था अगर जाना है तो पहले चले जाते हैं, इसे भी आज ही याद आया है। अब इसके बाद मेरी बारी है।
अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमने इतना सारा सामान लेना है अभी ये लेके आए, ये देखो, और उसके बाद इधर से रिजवान भाई ने मिठाई लेनी है, उसके बाद मंडी का इतना सारा सामान पड़ा है वो भी सारा लेना है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, उधर सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने इसे कहा था इधर आज रहने देते हैं, लेकिन इसने कहा मैंने आज ही जाना है। चलो हमें क्या, फिर हम भी आ गए इसके साथ ही। अब इधर ये बंदा गया हुआ है मिठाई लेने और मैं इसका वेट कर रहा हूँ। हर जगह तो रश पड़ा हुआ है, जिधर चले जाओ बस बैठ जाओ, एक घंटा इंतज़ार करो। आप 10 मिनट हो गए इसे अभी इधर। अब इधर से इसने लेने हैं गजरे और पत्तियाँ। माइक इसके हाथ में है, वैसे ही मैं तो बोल रहा हूँ, आवाज़ मेरे ख्याल में वैसे ही ठीक आ रही है। रश बहुत ज़्यादा है इधर भी, वैसे कह रहे हैं कि गजरे बनाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब सब कुछ मैंने और मोइन भाई ने ले लिया है। मोइन भाई बाइक चला रहे हैं और मैं सब कुछ पकड़ के बैठा हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं है कि आपकी मेरी बात आपकी तरह पहुँच रही है कि नहीं, क्योंकि बाइक मेरे हाथ में है और एक हाथ है मोइन भाई बाइक चला रहे हैं। थैंक यू भाई, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करियो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमने ले लिया है, सामने भी सामान है, इसके हाथ में भी सामान है, माइक भी इसके हाथ में है, आवाज़ ये देख रहे आ रही होगी, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता ही जा रहा हूँ। तो अब घर को चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुँच चुके हैं और अब रिजवान भाई के साथ मैंने जाना है देगे लेने, और उसके बाद नहाना भी है अभी। क्या नाम है आपका? नजीबुल रहमान। ये रहमान है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इधर क्या करने आए हो? शादी पे। अच्छा शादी पे आए हो, पक्की बात है? ठीक है, किसकी शादी है? भाई की। भाई का नाम क्या है? माना। माना, क्या बात है, क्या बात है भाई। रिजवान भाई अब जो रेडी है बाइक के पीछे लगाएंगे और इधर लेके जाएंगे, और उधर से देखेंगे ऊपर रखेंगे और फिर इधर लेके आएंगे। चलो यार रखो इन्हें ऊपर, वलीमे तो जा रहे हैं ना। ओए भाई देखेंगे तो नहीं, पक्की गल बह जा। लो जी मैं भी बह गया, जवाना वाह भी वाह, ये बंदे की ड्राइवरी चेक करें। बाइक भाई बाइक पे मज़ा ज़्यादा आ रहा है वैसे वैसे। पहले मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा एवं किसी के अंदर मारेगा, एवं किसी के वाओ वाओ जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गई। पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन बंदा तो मारा पूरा ट्रेन है। क्या बात है भाई, क्या बात है जी। ये जग मैंने पकड़ लिए हैं, देख गए रिजवान भाई ले गए हैं, प्लेटें भी एक बंदा ले गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारा सामान ही चला गया है। ये देखे गई हैं हमारी प्लेटें और ये आ गए हैं जी जग। तो जी महान ने पकड़ लिया सारा सामान। अच्छा जी, तो खैर आज का व्लॉग रेडी पे ही ख़त्म करते हैं, और मोइनुद्दीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।